वेलकम बैक टू माय चैनल आरोग्य मर एमडी। तो आज हम लोग वापस से आ चुके हैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर, और अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर आज हम लोग बनाने वाले हैं एक खतरनाक सा जाइगेंटिक सा लैंटर्न एन्चेंटमेंट रूम। तो अभी आप लोग सोच रहे लैंटर्न एन्चेंटमेंट रूम का मतलब ये है, हम लोग एक बड़ा सा लैंटर्न बनाएंगे और उसको पहाड़ के अंदर हैंग करेंगे और एकदम सिस्टम हैंग कर देंगे भाई। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के खतरनाक वीडियो की तरफ। तो पिछले वाले एपिसोड में हमने बनाया था इतना बड़ा सा मेंशन, जो कि बहुत ज़रा मस्त है गाइज, एकदम मेरे वर्ल्ड का भाई लुक भाई हाई कर दिया इसने, मेरे वर्ल्ड के स्टॉक्स हाई कर दिए। अभी भाई इस सब को छोड़ो, अभी जल्दी से चलते हैं घर के अंदर। और हमें वो लैंटर्न बनाने के लिए ढेर सारे कॉन्क्रीट्स चाहिए होंगे, और कॉन्क्रीट की तो भाई मेरे पास कमी नहीं है, पर वाइट कॉन्क्रीट से वो लैंटर्न बनेगा नहीं, इसीलिए हमें आज फ्लावर फार्म बनाना है। ऑटोमेटिक फ्लावर फार्म या डाई फार्म आप कुछ भी कह सकते हो, वो बनाना है आज हमें। पर उससे पहले हमें थोड़ा सा वुड लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई शील्ड नहीं है भाई, शील्ड के बिना भाई कमी लग रही है भाई मेरे अंदर यार। शील्ड मेरे पास हमेशा होनी चाहिए गाइस, क्योंकि वो सेफ्टी भाई एकदम कैप्टन अमेरिका बनना चाहिए गाइस हमेशा। तो गाइस अभी आप लोग सामने देखो एकदम पेड़ों का जंगल, जो कि मैंने उगाया था गाइस। व्हाट भाई मैंने क्या बोला अभी, भाई जंगल तो पेड़ों का ही होता है ना भाई, क्या बोल रहा था गाइस मैं पता नहीं, पर हमें अभी ढेर सारे पेड़ तोड़ने पड़ेंगे। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे भाई चेरी ब्लॉसम तोड़ लेता, पर चेरी ब्लॉसम गाइस मैं नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो बहुत ज़रा मस्त लग रहे हैं भाई। वो चेरी ब्लॉसम मस्त नहीं लग रहे, वहाँ जाने से डर लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे पिलेजर आउट पोस्ट है ना, सीधा सीधा बोलना भाई। अभी ये सब छोड़ो भाई, अभी पेड़ तोड़ो भाई। क्या भाई पेड़ उगाए भाई मैंने यहाँ पे, क्या आई तो भाई यहाँ पे सैपलिंग मिलेगी गाइस, और हम लोग हमारे वर्ल्ड के अंदर भाई ग्रीनरी कर देंगे। तो पेड़ को तोड़ते और सैपलिंग कलेक्ट करेंगे, यहाँ से भाई सप्लाई ले ही चलते भाई 64, पर 64 का टाइम नहीं, क्योंकि रात हो गई है भाई। अभी यहाँ पे मॉब्स आ जाएंगे भाई, मेरा घर ना फोड़ दे भाई क्रीपर, भाई जल्दी से यहीं से शॉर्टकट ले ले भाई। मेरा घर क्या है, इस तो क्या मस्त लग रहा है यहाँ से पीछे से भाई, एकदम डायनासोर जैसा लग रहा है भाई। देखो वो डायनासोर का पीछे का एरिया है, और वो डायनासोर का मुंह है भाई, कितना ज़्यादा भाई कूल लग रहा है भाई, पीछे से कोई भी देखेगा तो डर जाएगा भाई। भाई ये मजाक का वक्त नहीं है भाई, भागते भागते घर पर जाना पड़ेगा भाई। एक बार भाई वो क्रीपर मेरे पीछे पड़ जाएगा ना, तो मेरा घर तोड़ देगा यार। अरे क्रीपर से क्यों डर रहा है भाई, अभी भागने में फोकस कर। और साला भाई गेम भी इसी टाइम पे लैग होनी है यार, जल्दी भागो भाई, खाना खाने का टाइम नहीं है, जल्दी भाग 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 भाई। ये घर बनाने में भाई मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई है, और घर की भाई सप्लाई भी नहीं है भाई ठीक करने के लिए। तो जल्दी से जाके यहाँ पर चल के सो जाते हैं एकदम बीचों बीच में, और हम लोग फैल के सोते हैं गाइस, क्योंकि ये बड़ा सा बेड है ही। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है, तो थोड़ा सा गाइस ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एकदम ऐसे हवा में देखते हुए, एकदम घर के नज़ारे लेते हुए चाय पीते पीते गाइस। आ हा 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 मज़ा आ गया भाई नाश्ता करके, चलो अभी नीचे चलते हैं गाइस। नाश्ता करने के बाद अभी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर चल के इन सब का प्लैंक्स बनाओ, और प्लैंक्स के बाद शॉर्ट वाले सेक्शन में जाओ, और अपने लिए शील्ड बनाओ भाई, और शील्ड को जाके ऐसे लगा दो और बन जाओ एक वॉरियर। यस, तो अभी हमारे आयरन को हम लोग चेस्ट के अंदर बचा के रख लेते हैं, क्योंकि वो आगे जाके गाइस काम में आ सकता है, और मैं भाई मर मरा गया तो भाई मेरा आयरन चले जाएगा। तो अभी हमें रेडस्टोन को जमा करने जाना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक फ्लावर फार्म बनाने के लिए रेडस्टोन तो चाहिए होगा ना गाइस। तार के बिना कभी मशीन बन सकती है क्या? तो अभी हम लोग तार लेने चलते हैं गाइस। उस फार्म से इतने फूल होंगे तो गाइस हम लोग इतने सारे गार्डन बना सकते हैं ना गाइस, पूछो ही मत गाइस, इतने सारे गार्डन बना सकते हैं, और उससे हम लोग एक नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो अभी बिजनेस के सपने छोड़ते हैं, और एक अच्छी सी केव ढूंढते हैं भाई, जिसके अंदर हम लोग माइनस तक जा सके। हमने जहाँ पर डायमंड माइनिंग की थी वो केव गाइस अच्छी खासी थी, वहाँ पर रेडस्टोन भी मिल सकता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड है। जितना गाइस हम लोग माइनस में जाते हैं, उतना हमें रेडस्टोन आयरन और लैपिस का मिलने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सब गाइस एकदम इतने भी रेयर नहीं है, पर रेयर है थोड़े से, तो हम लोग वहाँ से कर सकते हैं भाई। उससे अच्छा गाइस एक रेडस्टोन का फार्म नहीं बन सकता क्या? इतने सारे फार्म बन सकते हैं भाई, ये मटेरियल्स मिलने का भी 5 फार्म होना चाहिए ना गाइस। वो केव तो ये रही भाई, कहाँ आगे जा रहा था यार, बगल में भाई केव थी और आगे जा रहा था यहाँ से वाटर बकेट ट्रिक कर, छोटी सी पर कूल सी। और जल्दी से चल यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे मैंने एक गड्ढा बना के रखा है,
वहाँ पे पानी है क्या, देखते हैं। हाय है भाई, पानी पानी डाल के भाई भूल गया हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। भाई जल्दी नीचे जा भाई, मेरी सांस खत्म हो रही है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है भाई। ये क्या बटन दब गया भाई, नीचे जाना भाई, मर जाएगा भाई। तीन बबल्स बचे भाई, क्लच कर दिया भाई एंड में यार, क्या बच गया भाई मैं वहाँ से। भाई मेरे हाथ में भाई गूज़बम्प्स आ गए गाइस, और रेडस्टोन भी मिल गया यार, कितनी अच्छी बात है। तोड़ो तोड़ो रेडस्टोन तोड़ो। अबे लाइट ही नहीं लाया यार, क्या करूँ क्या करूँ भाई। ये कितना सारा रेडस्टोन मिल गया यार एक ही बारी में, इतना तो गाइस मोर देन। भाई ये क्या है, ये डायमंड है। जल्दी 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 भाई, वो टॉर्च लेके वहाँ पे, टॉर्च लगी है ना वो, उससे देख भाई डायमंड मिल गया भाई। तुक्के से भाई डायमंड ही है ना भाई, क्या वो है भाई, वो ग्लोइंग होता है ना, वो झाड़ी जैसा डायमंड ही लग रहे हैं ये भाई, डायमंड भाई। ये गाइस कुछ भाई ये नहीं है भाई, मेरे को ऐसे ही डायमंड मिल गया। ओ भाई कितना है, कितना है, दो है, दो है, तीन है, तीन भी नहीं चार है। ओ भाई साहब, लक्की मोमेंट हो गया यार ये, कितना ज़रा लक्की मोमेंट हो गया गाइस। ये क्या भाई पॉइजन कैसे लग, विच है भाई यहाँ पे। भाई नहीं मत मानना यार, हार्मिंग कब से मानने लग गई भाई, विच यार मर गया। हार्मिंग नहीं भाई, वो इंस्टेंट डैमेज का भाई पोषण कब से मानने लग गई भाई विच यार। तो गाइस अभी ये बहुत ज़रा लंबा चलने वाला है, मैं मेरा सामान लूँगा, रेडस्टोन लूँगा, उससे अच्छा गाइस मैं आपको रेडस्टोन लेके मिलता हूँ। तो गाइस रेडस्टोन तो मुझे मिल गया, पर मेरे साथ एक दुर्घटना भी हो गई। मैं सामान लेने वहाँ नीचे गया, और पता नहीं कैसे भाई पानी ही चला गया, वो पानी जो डला हुआ था ना, वो पानी ही चला गया, और मैं फिर से नीचे जाके गिर गया यार। और गिर के ये नहीं मैं बच गया, मर गया था। और ये सब लोग क्या यार यहाँ पे आवाज़ कर रहे हो, ये रे साले कब से भाई यहाँ पे हाँ हाँ कर रहा है भाई, कोई समझा रहा होता है भाई, तू भी मर, थूक रहा है मेरे पे, मर जा। अभी कोई अपने भाई दुख सुना रहा है, और तुम लोग यहाँ पे आवाज़ कर रहे हो भाई, मरो। ये सब वो बीच की वजह से हुआ है गाइस, मेरी कितनी सारी एक्सपी चली गई यार। चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक्सपी तो गाइस वापस से मिल जाएगी, पर हमारा फ्लावर फार्म हम लोग बार बार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और मेरे को सर्वर वर्ल्ड के अंदर क्या क्या और बनाना है, तो उसके लिए आज हम लोग फ्लावर फार्म बना लेते हैं जल्दी से। तो मैं रेडस्टोन लेके आ चुका हूँ, और मेरे को जितना याद है मैं कॉर्ड्स पिछली बार नेदर से लेके आया था, वो कॉर्ड्स क्या पड़े हुए हैं या फिर चले गए भाई मेरे को याद नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं। नहीं वो तो गाइस मैं नेदर में चला जाएंगे यार, कोई बात नहीं। पर नेदर में ये दिक्कत है कि हम लोग वहाँ पे जा तो सकते हैं, पर उसका स्पॉन गाइस बिल्कुल ख़तरनाक है यार। वहाँ पे मैं आयरन का आर्मर पहन के गया था, डायमंड का आर्मर रख के, मैं डायमंड का आर्मर जैसे ही पहन के गया, वैसे वहाँ पे भाई मैंने वो देखा, स्लाइम थी वो नेदर वाली, उसने मेरे को धक्का मार दिया यार। मैं इतना डर गया कि मैं वापस आके आयरन का आर्मर पहन के गया। पर ये सब तो बातें होती रहेगी भाई, मैंने चेक कर लिया सब चेस्ट, कहाँ पे है भाई कॉर्ड्स, हर चेस्ट चेक करते हैं गाइस, मैंने शायद से यहाँ पे रखा होगा भाई, कहाँ है भाई, मेरे को पक्का याद है भाई मैंने लेके आया था वहाँ से भाई, ये बचे हुए थे भाई, कहाँ है भाई। ऊपर जाके चेक करते भाई, मेरे को जितना याद है ऊपर हो सकते हैं भाई, इसके अंदर चेक करते भाई, नहीं है यार, कहाँ हो गए भाई, मेरे को नहीं जाना लेने, ये रहे भाई। यस मैं कॉर्ड्स तो गाइस मिल गए, पर अभी हमें सोना पड़ेगा, रात हो रही है गाइस, और अगले दिन हम लोग जाएंगे सीधा ही फार्म बनाने पक्का। तो गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, तो अभी हमें सीधा ही जाना चाहिए फार्म बनाने। फार्म बनाने के लिए हमें ढेर सारे पिस्टन चाहिए होंगे, और पिस्टन की रेसिपी गाइस मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं सर्वर में कभी भी पिस्टन को यूज ही नहीं करता, मेरे ट्यूटोरियल वीडियोस के अंदर मैं क्रिएटिव में होता हूँ, इसीलिए मैंने कभी भी पिस्टन बनाया नहीं है गाइस। तो हम लोग देखते हैं पिस्टन कैसे बनता है। पिस्टन पिस्टन पिस्टन, वेयर इज यू पिस्टन, ये रहा पिस्टन भाई, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें सिर्फ कोबलस्टोन चाहिए होगा, और कोबलस्टोन साइज से इस चेस्ट के अंदर पड़ा ही होना चाहिए। अबे नहीं पड़ा भाई, क्या कोबल डिप्सलेट चलेगा क्या, हम लोग कोबल डिप्सलेट को लेके देखते हैं। आयरन और यहाँ से कोबल डिप्सलेट लेते हैं, कोबल डिप्सलेट साइज से चल जाना चाहिए, क्योंकि उससे स्टोन की पिकैक्स भी बन जाती है गाइस। नहीं चलेगा यार, हमें हमारे घर के पास वाले केव के अंदर जाके थोड़ी माइनिंग करनी पड़ेगी, तो चलते हैं गाइस सीधा ही माइनिंग करने। ये रहा हमारे घर के पास वाला एक छोटा सा पत्थर, और ये क्या कर रहा हूँ भाई, एमएलजी नहीं हुई तो क्या कर रहा हूँ भाई, पानी डाल रहा हूँ मैं। अभी ये सब को छोड़ो, और यहाँ पर चलो, और जल्दी से ढेर सारे कोबलस्टोन ले लो भाई।
इतने कोबलस्टोन गाइस मोर देन इनफ है, तो अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए और जल्दी से पिस्टन को बनाना चाहिए। और भाई कब से भाई फार्म ही नहीं बना रहा मैं, और फार्म को बनाना स्टार्ट करना चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं और पिस्टन बनाते हैं दोस्तों, लेट्स गो। भाई ये गेम लैग क्यों कर रही है भाई? कोई बात नहीं, लैग करने दो, हमें हमारा काम करना है गाइस। अभी जल्दी से इस दरवाजे को क्लोज करो और यहाँ पे चल के बनाओ। भाई 8 बनेंगे यार, मेरे को 20 चाहिए भाई, वापस से जाना पड़ेगा। ये तो प्रॉब्लम हो गई भाई, कोबलस्टोन की कमी पड़ रही है गाइस, तो फिर से भाई कोबलस्टोन लेने जाना पड़ेगा गाइस। बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है, मैं आपको सीधा ही सब मटेरियल्स लेके ही मिलता हूँ दोस्त। तो गाइस सब मटेरियल्स मैंने बना दिए हैं, और अभी जल्दी से चलते हैं अपने घर के अंदर और यहाँ से लेते हैं बोन ब्लॉक्स। तो गाइस मैं ये सब सामान लेके आया हूँ, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। हम लोग लाए हैं हॉपर्स, हम लोग लाए हैं ये सब कुछ गाइस। मैं आयरन की माइनिंग करने गया था भाई, थोड़ा ही आयरन मिल गया और सबका सब गाइस ये सब बनाने में चला गया। तो यहाँ से हम लोग कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स लेते हैं। और बोन ब्लॉक्स कहाँ हैं भाई? बोन ब्लॉक्स इसके साथ मर्च हो गए थे भाई, एकदम कॉन्क्रीट के साथ मर्च हो रहे थे गाइस। तो अभी जल्दी से चलते हैं अपने बिल्डिंग लोकेशन पर गाइस, लेट्स गो। भाई रात हो रही है, शुभ काम में गाइस रात नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग जल्दी से जाके ऊपर चल के ऐसे सो जाते हैं, लेट्स गो। अभी भाई बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया यार, अभी गाइस मैं पक्का भाई बिल्ड बनाने चाह रहा हूँ यार। चलो जल्दी से भाई, रात भी इसी टाइम पे होती जब मैं बिल्ड करने जाने वाला होता हूँ भाई, तभी रात होनी है भाई, क्या माइनक्राफ्ट फॉलो यार तुम भी। तो भी जल्दी से यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। भाई स्केलेटन ये ले, एक शॉट में मर जाए ही भाई, निकलो अभी जल्दी से, चलो चलो भाई जल्दी से। और तू क्या भाई स्मार्टेस्ट गाय इन द अर्थ, ये ले हेलमेट पहन के आए बचने के लिए। क्या फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा है क्या, माइनक्राफ्ट से बाहर निकल रहा है क्या डेडपूल साले, मर जा, खुद ही के एरो से मर गया यार ये भाई। यार अभी ये सब टाइम वेस्ट छोड़ो और भाई अच्छी सी बिल्डिंग लोकेशन ढूंढो यार, कहाँ ये फार्म बनाना है दोस्तों, आप क्या कहते हो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी तो मैंने जगह सोची हुई है, पर आपको जो जगह अच्छी लगती हो वो मेरे को कमेंट बता देना, तो मैं वहाँ पे वो फार्म को बाद में ट्रांसफर कर दूंगा गाइस। आप मेरे को बताओ वहाँ पे, मैं वो फार्म को बाद में ट्रांसफर कर दूंगा, पर अभी के लिए मैंने वो जगह सोची हुई है और वो हमारे एकदम घर के पास ही बनने वाला है। तो मैं एकदम 10x10 यहाँ पे तोड़ने हैं ब्लॉक्स, 10x10 का एक स्क्वायर बनाना है। तो एकदम हम लोग कैलकुलेशन लगा के एक स्क्वायर बनाते हैं जल्दी से दोस्तों। नहीं यार मेरे को जगह अच्छी नहीं लगी यार, थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर चलते हैं दोस्तों। भाई यहाँ पे कैलकुलेशन है भाई, ठीक से नहीं हो रहा है यार, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं ना यार, गलत जगह भाई मैंने सिलेक्ट कर ली यार, बिल्कुल ये जगह एकदम परफेक्ट है भाई, 10x10 का यहाँ पे हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो मैं जल्दी से बना देता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, 10x10 का स्क्वायर बना भाई जल्दी से, और उसके अंदर भाई कॉन्क्रीट भरते हैं गाइस। यहाँ पे 10x10 का एक बड़ा सा स्क्वायर बनाते हैं दोस्तों। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा का पूरा फार्म बना के ही आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। अगर आपको इस फार्म का पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो एक पैसा कमेंट कर देना, तो मैं जल्दी से जाके बना दूंगा इस फार्म का पूरा ट्यूटोरियल। तो भी मैं सीधा इस फार्म को बना के ही आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो बस अभी एक फाइनल चीज बचे है, यहाँ पे लगा देते हैं हमारा लीवर और हमारा बन गया दी अल्टीमेट अनलिमिटेड फ्लावर फार्म। तो हमें एक चीज और करनी है, यहाँ पे आके हमें लगाना है एक फेंस, और फेंस के ऊपर हमें एक चेस्ट लगाना है। तो एकदम एंगल बना लेते हैं और चेस्ट को भाई प्लेस करने का ट्राई करते हैं। भाई क्यों नहीं लग रही भाई चेस्ट, उस बाजू लगी ना तो भाई मैं बहुत मारूंगा यार, उस बाजू लग गई। तो अभी इस फेंस को तोड़ो और यहाँ से इस चेस्ट को कलेक्ट कर लेते गाइस, और हम लोग फिर से चलते अंदर और इस फेंस को भाई वापस से लगा देते हैं गाइस। अभी मैंने बहुत ज़रा ये प्रैक्टिकली आप लोगों को समझा लिया, अभी हम लोग यहाँ से लेते हैं ब्लॉक्स। और भाई मेरा खाना ख़त्म हो गया भाई, मैं विलेजर्स का भाई आलू लेके आया, उन लोगों ने बेचारों ने बहुत मेहनत से उगाए थे। तो अभी वो सब छोड़ो, यहाँ पे लगा दो एक चेस्ट, और चेस्ट के ऊपर लगाना है हमें एक हॉपर, और हॉपर के ऊपर हमें लगाना है ये कंपोस्टर, वो भी भाई मैंने विलेज से चोरी कर लिया यार, कितना बुरा आदमी हूँ गाइस मैं। तो अभी यहाँ पे एक और डर्ट लगा के कंपोस्टर के ऊपर भी भाई एक हॉपर लगा देते हैं। तो ये चीज़ क्या है मैं आपको समझाऊंगा, पर गलत लग गया यार ये, तो अभी जल्दी से इसको तोड़ते हैं दोस्तों। तो अभी कंपोस्टर के ऊपर हमें हॉपर को प्लेस करना है, तो उसके लिए हम लोग कंपोस्टर के ऊपर चढ़ेंगे और ऐसे प्लेस कर देंगे गाइस। और अभी इन सब ब्लॉक्स को भाई तोड़ो, और ये चीज़ क्या है मैं बता देता हूँ,
तो हम लोग फ्लावर फार्म को ऑन करेंगे तो हमारे पास कुछ फालतू के सीड्स आएंगे, उसको हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अभी मैंने आपको समझा तो दिया, अभी जल्दी से हमें हमारे चारों कोने में लगाना है एक एक लैंटर्न, तो यहाँ पे रोशनी आती रहे और वो बदसूरत क्रीपर भाई ना आए भाई। तो हमारा फार्म 100% कंप्लीट हो चुका है, हमने लाइट्स भी लगा दी है, तो अभी हमारे फार्म को हमें टेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। पर उससे पहले गाइज मेरे को देखना है कि हमारा फार्म ठीक से वर्क करेगा कि नहीं, तो हमें पांचवा ब्लॉक यहाँ से तोड़ना है और देखना है भाई बोन मिल है ना इसके अंदर। चलो गाइज इसके अंदर बोन मिल तो पड़ा हुआ है, तो हम लोग जल्दी से इस फार्म को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से यहाँ पे डट का ब्लॉक वापस से लगा देते हैं और लीवर को गाइज फ्लिक करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे करते लीवर को दो बार फ्लिक, फिर चल पड़ा हमारा फार्म एकदम मज़ेदार भाई, एकदम क्या ही तो वर्क कर रहा है गाइस। ये ग्लिच की तरह हो रहा है पर हमारे पास फ्लावर के फ्लावर आ रहे हैं दोस्तों, भाई क्या ही तो ये बज रहा है गाइस एकदम डीजे की तरह, डिक चिक ऐसे बज रहा है हमारा फार्म गाइस। तो गाइस फार्म हमारा कुछ देर तक ऑन था, अभी देखते हैं हमारे पास कितने सारे फ्लावर्स जमा हुए। तो यहाँ का एक रेडस्टोन हम तोड़ते हैं और देखते हैं कितने सारे फ्लावर्स जमा हुए गाइस यहाँ पे। तो भाई बहुत ज़्यादा है भाई, इसको भाई एक से डेढ़ घंटा भाई चालू रखो तो भाई फ्लावर ही फ्लावर हो जाएंगे भाई, कितने सारे मिल गए। और सीड्स भी देखते हैं हमारे पास कितने ज़्यादा आ गए। तो हमारे पास जो जितने भी सीड्स आए हैं हमें उस बोन मिल मेकर मशीन में डालते हैं गाइस जल्दी से। तो इस ओहपर के अंदर डालते हैं हमारे 41 सीड्स और थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं बोन मिल आते हैं क्या या फिर ये जावा में वर्क करता है। तो थोड़ी देर इसको होने देते हैं गाइस, तो अभी मेरे को लगता है हो गया होगा और बोन मिल आ रहे हैं भाई, ये तो बहुत ज़रा ओपी मशीन, 2-in-1 बन गई है मशीन भाई। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर से बता देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम लोग इस वीडियो के अंदर लैंटर्न नहीं बना पाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे लैंटर्न और वो नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा जल्दी से। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।